कर्म की गठरी शिक्षापद कहानी। एक दिन राजा भोज ने गैर जिम्मेदार मंत्री तथा एक स्वामी भक्त मंत्री को दरबार में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। आदेश के अनुसार दोनों मंत्री वहां दरबार में राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने दोनों को एक थैला देकर बाग में जाकर फल लाने को कहा। दोनों मंत्री शाही बाग में जाकर फल तोड़ने लगे। जिम्मेदार और स्वामी भक्त मंत्री ने अपने राजा के लिए सुंदर स्वादिष्ट ताजे फल तोड़े और अपना थैला भर लिया। वहीं कामचोर और लापरवाह गैर जिम्मेदार मंत्री ने विचार किया, राजा कौन सा थैला देखेगा और फल चुनेगा, जो समझ में आए वही झटपट भर लेता। ऐसा सोच विचार कर उसने कच्चे पक्के सड़े गले सभी प्रकार के फल से झटपट अपना थैला भर लिया। दोनों मंत्री अपने अपने फल के थैले को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। राजा भोज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, दोनों मंत्रियों को उनके थैले के साथ कैद खाने में कैद कर लिया जाए। आदेश का पालन हुआ, दोनों मंत्रियों को थैलों के साथ कैद कर लिया। राजा ने आदेश दिया था उन्हें भोजन ना दिया जाए, ऐसे ही हुआ। दोनों अलग अलग कोठरी में कैद थे। भूख लगती तो थैले से फल निकाल कर खा लेते और अपनी भूख शांत करते। जिस मंत्री के पास स्वादिष्ट और ऊंचे कोटि के फल थे वे ज्यादा दिन तक फल को खाता रहा, जबकि गैर जिम्मेदार और लापरवाह मंत्री के फल तुरंत ही खराब और बर्बाद हो गए, क्योंकि उसने फल का चुनाव ठीक प्रकार से नहीं किया था। हालत ये हुई कि वह मंत्री बेहोश हो गया। उसका तत्काल उपचार के उपरांत दरबार में उपस्थित किया गया। दोनों मंत्री राजेश के आदेश से अब कैद से बाहर थे। राजा भोज ने मंत्री को समझाया, यह जीवन का एक सुंदर बाग के रूप में है। यहाँ सुंदर और स्वादिष्ट फल के अनुरूप अपने जीवन को चुनना चाहिए, उत्तम व्यवहार करने चाहिए और अपने इस छोटे से जीवन रूपी झोले को भरते रहना चाहिए। बुरे कर्म बुरे समय में काम नहीं आते, अच्छे कर्म ही बुरे समय में संबल बनते हैं, इसलिए सभी को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये आज की कहानी? उम्मीद है आपको इससे बहुत अच्छी सीख मिली होगी। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।